हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ एंडी लवली गार्डन में। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी पुरचुल का पूरी तरह से नहीं खिले हुए हैं, अभी खिल रहे हैं, कुछ देर में सारे खिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम मेहंदी के बारे में बात करेंगे। और टॉपिक पे आने से पहले वो पूरे गार्डन देख लेते हैं और कौन कौन से फूल खिले हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो पूरे गार्डन में फ्रेंड्स अभी पुरचुलका की ही बाहर आई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सारे कलर में खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स अभी पूरी तरह से खिले नहीं हैं, तो देखिए बहुत तेज़ धूप है आज, 2-3 दिन से अभी बारिश नहीं हुई है। आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पे हमेशा बने रहे फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ प्लांट को इधर आगे कर दी हूँ, वैसे ही सबको तेज़ धूप लग रही है कैलेडियम को फ्रेंड्स, पर मैं ठीक से बाद में रखूँगी, उसमें अभी खाद देना है तो खाद नहीं दे पाई सबके। कल मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर दी थी, वैसे पानी भी डाल दी थी। देखिए इसमें 2 सदाबहार की कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से 2 लग गए, वैसे तो 4-5 लगाई थी। और तो इस सब की जितने इस समय पुरचुलका लगे हुए थे, देखिए हमारा करी पत्ता ये भी बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ गया, तो इस समय से सारे में से मैं पुरचुलका हटा दी हूँ। तो तब इसको थोड़ी सी धूप लगने के लिए छोड़ दी हूँ फ्रेंड्स, फिर फर्टिलाइज़र दूंगी, फिर इस सबको अच्छे से सेट करूंगी। अब बारिश भी कम हो रही है, तो अब जैसे पहले चारों तरफ रखती थी वैसे ही रखूँगी। देखिए इसमें सिंगोनियम है, बिल्कुल ही सूख गए थे, फिर अब देखिए अब जाके इसमें रूट पत्ते निकल आए, क्योंकि रूट सही था फ्रेंड्स। और देखिए इस बारे कनेर को जो कटिंग था यहाँ साइड में रख दी हूँ। तो देखिए बाकी सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है अभी। बारिश के बाद फ्रेंड्स बहुत तेज़ धूप होती है, तो हमारे पौधे बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाते हैं फ्रेंड्स। बहुत जल्दी पत्ते सब पीले पीले होने लगते हैं, जितने ग्रीन रहते हैं तुरंत ही पीले में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा मेहंदी का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं आज सोची इसी पे बात करूं। और देखिए यहाँ पे रेड कलर के पुरचुलका कितने सारे खिले हुए हैं, और मैं एक नया पौधा कटिंग से भी मेहंदी का बनाई हूँ। वैसे ये मेरे पास काफ़ी पुराना पौधा है, जब मैं 2-4 पौधा रखती थी इस घर में आई थी, उस टाइम मैं एक मेहंदी का लगाई थी बालों में लगाने के लिए फ्रेंड्स। जो पैकेट वाला नेहा का मैं लगाती हूँ, उससे बाल में सर में खुजली होने लगती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बाल में लगाने के लिए एक पौधा लगाई थी। पर उतने दिन ज़्यादा पत्ते हमें नहीं मिल पाते थे, क्योंकि बालकनी में घेर पर रखी थी फ्रेंड्स। तो जब से छत पर रखी हूँ तो देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मैं इसको काफ़ी लंबा भी कर रही हूँ, क्योंकि इस घेर से थोड़ा ऊपर हो जाएगा तब हम गोल बना के इस सारे जो लंबे लंबे पौधे होते हैं उन सबको रखूँगी। तो देखिए थोड़ा वेट तो काफ़ी हो जाएगा, पर ये सब कम मिट्टी में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो ज़मीन पे ज़्यादा फैलते हैं, पर ऊपर में भी चल जाते हैं। और हम लोग कहीं चले भी जाते हैं उस टाइम भी उस पौधे को, जैसे कनेर सबको कोई नुकसान नहीं होती है, मेहंदी को भी। और देखिए एक पीले कनेर में कितने सारे कली बन रहे हैं, तो कुछ दिनों में बहुत अच्छे से खिलने लगेगा, सारे ब्रांच खिलेंगे तो हमें पूजा के लिए बहुत सारे फूल मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और देखिए ये भी काफ़ी बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ है, और मेहंदी भी ये 10 किलो आटे की बोरी में लगी हुई है फ्रेंड्स। पर इसके रूट बहुत जल्दी फैलते हैं, तो हम इसको कुछ दिन में इसको थोड़ा मिट्टी चेंज कर देंगे, कंपोस्ट वाला मिट्टी फिर से दे देंगे। मेहंदी का रूट बहुत जल्दी फैलते हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी। देखिए अभी जब छत पे रखी थी 1 अक्टूबर-1 नवंबर के टाइम में, तो उस टाइम इसको बड़े से ग्रो बैग में लगाई थी, तो जैसे पौधे बड़े हुए हैं फ्रेंड्स, उससे रूट भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा होता है मेहंदी का पौधा फ्रेंड्स, और आयुर्वेद में तो इसका कितना वर्णन है और कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ये तो हम सभी को पता ही है फ्रेंड्स। हाथ में भी लगाए जाते हैं, बाल में भी लगाए जाते हैं, जिस बीपी ज़्यादा हाई रहते हैं वो पूरे हाथ में भर के पाँव में लगाते हैं फ्रेंड्स, तो बीपी भी सही रहता है। और हाथ पाँव में जिसको जलन देते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये हर तरह से बहुत अच्छा पौधा होता है फ्रेंड्स। और हम हाथ पाँव सर में लगाते ही हैं, तो जो हम पैकेट वाले लेते हैं उसमें केमिकल मिक्स रहता है फ्रेंड्स, तो उससे अच्छा होता है। पर वही है कि कहते हैं कि इसकी लाली कम होती है, तो हम लोग उसमें अभी तो खैर लगाती कम हूँ ये मेहंदी,
मेहंदी ही अब हाथ में कम लगाती हूँ। जब इसमें ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं तो मैं बालों में लगाती हूँ फिंस, क्योंकि हाथ में अब उतने देर लगाए रखना नहीं होता है। तीज त्यौहार में लगा लेती हूँ, हाँ तो सर में महीने में एक बार लगाती हूँ तो उसमें लगा लेती हूँ फिंस। और देखिए इसके पत्ते भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब हम इसके केयर के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए तेज धूप में भी चल जाता है, आप किसी तरह के मिट्टी में भी लगाओगे तो बहुत अच्छे से ये चल जाएगा। इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी नहीं बनानी पड़ती है। और देखिए पत्ते वाले पौधे हैं तो हमें थोड़ा बहुत खाद देना ही पड़ेगा। और जो हम हर पौधे को कंपोस्ट देते हैं लिक्विड बना के फ्रेंड्स, तो वो भी हम इस पौधे को भी दे देते हैं। इससे बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए कोई खास, ये बिल्कुल कम केयर में चलने वाले हैं, खास कोई देखभाल नहीं करनी है। और किसी तरह के जगह पर रख जाते हैं फ्रेंड्स। अगर छाए में रखोगे तो इसके पत्ते ज़्यादा लंबे लंबे होंगे, और तेज़ धूप में है तो इसके पत्ते थोड़ा छोटे छोटे हैं, पर बहुत अच्छे से दोनों जगह ये पौधे चल जाते हैं। अब हम इसको एक पौधे से दो पौधे या चार पौधे कैसे करें, तो हम इसमें बीज भी बनते हैं फ्रेंड्स। तो पौधे मोचर होने के बाद इसमें बीज बनते हैं, तो हम बीज से भी बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, हम कटिंग से भी बना सकते हैं। तो मैं एक पौधा कटिंग से तैयार की हूँ, आगे वीडियो में दिखाऊंगी। जब मैं पिछली बार इसके पत्ते तोड़ी थी तो नीचे से एक ब्रांच कट कर दी थी, पतला सा ही ब्रांच था फ्रेंड्स, ज़्यादा मोटा नहीं था। उसको मैं एक जगह दबा दी तो देखिए लगभग 2 महीने हुए होंगे, तो बहुत अच्छे से पौधा तैयार हो गया है। तो ऐसे हम एक पौधे से बहुत सारे पौधे भी बना सकते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स देखने में, बिल्कुल कम केयर में चलने वाला है, कोई इसके लिए ख़ास देखभाल नहीं करनी पड़ती है हमें। जैसे हम कनेर पौधे सबको रखते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हम मेहंदी को भी रखते हैं। और देखिए कितने हेल्दी है। और इससे पहले मैं इसमें से पत्ते तोड़ ली थी, पूरे को बांध दी हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो कनेर में लगते रहते हैं, कनेर के ब्रांच टूट जाते हैं, तो इसीलिए ऐसे बांध के दी हूँ। अभी काफ़ी लंबा हो गया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे देखभाल में आप मेहंदी को लगा सकते हो, और ज़रूर ही लगाना चाहिए फ्रेंड्स। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे हम अपने गार्डन में ज़रूर ही शामिल करें तो हमारे लिए सही है फ्रेंड्स, जैसे ग्लो है, मेहंदी है, तो इस तरह के प्लांट हमें ज़रूरी लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही थी मेहंदी के बारे में जानकारी, जो मुझे पता था फ्रेंड्स वही मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। आप सभी को वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, प्लीज़ सपोर्ट। और देखिए मैं इस साइड एक कटिंग लगाई थी, तो कटिंग देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और इसमें देखिए कितने सारे पत्ते आ गए हैं फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसी में रहने दूंगी। इसमें ग्लोई लगा हुआ है, दो एलोवेरा है फ्रेंड्स, वैसे ये भी 10 किलो के चावल की बोरी में लगा हुआ है, तो कुछ दिन ये इसी में रहने दूंगी। बाद में जब कभी इसको रिपोर्ट करूंगी अलग करके किसी को दे दूंगी। हमें छत, छोटा सा छत है, उस पर कितने सारे एक ही टाइप का पौधा रखेंगे फ्रेंड्स, और तो हम किसी को दे देंगे। तो देखिए ऐसे ही हम मेहंदी के एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो ट्राई के रूप में लगाई थी कि लगता है या नहीं, तो इस बार पौधे लग गए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूरी करना और शेयर करना। बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।